Yes, good evening students. Today we will continue the number enumeration chapter. So we are doing the exercise number 1.7. We will continue the exercise. Have you done the first question? फर्स्ट क्वेश्चन दिया था बेटा मैंने आपको, आपने किया है? देखिए नियरेस्ट टेंस करते हैं तो हम चेक किसको करते हैं, वंस डिजिट को चेक करते हैं, है ना। जब हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो हम किसको चेक करेंगे, नियरेस्ट टेंस डिजिट को चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारी टेंस डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करते हैं, 100 वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं एंड सेट रिमेनिंग डिजिट्स इज इक्वल टू 0, बाकी डिजिट्स को हम 0 करते हैं। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, नियरेस्ट 100 वाला, देखिए 100 के अराउंड करना है तो हम किसको चेक करेंगे, हम चेक करेंगे टेंस डिजिट को। इफ आवर टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, देखिए यहाँ पे पढ़िए, व्हाइल राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, इफ द टेंस प्लेस इज 5 और मोर, वी राउंड ऑफ टू ग्रेटर 100। तो हम ग्रेटर वाले 100 की तरफ चलते हैं, अगर वैल्यू लेस देन 5 होती है तो हम लोअर 100 की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कल हमने इसका एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। 669 है, किस किस के बीच में आएगा ये, 600 एंड 700 के बिटवीन आएगा, बट फॉर नियरेस्ट 100 वी चेक द टेंस डिजिट। तो टेंस प्लेस क्या है इसका, ये होगा वंस प्लेस, ये होगा टेंस प्लेस, ये होगा 100 प्लेस। तो ये टेंस प्लेस है, 6 है ना, ग्रेटर देन 5 है, जब ग्रेटर देन 5 होता है तो ग्रेटर 100 की तरफ चलते हैं। तो ग्रेटर 100 कौन सा है, 600 ग्रेटर है या 700 ग्रेटर है, 700 ग्रेटर है तो 700 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 700। क्लियर है सबको, चलिए एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला 539, देखिए वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। तो हमने क्या चेक किया, टेंस प्लेस चेक किया, टेंस प्लेस क्या है, 3 क्या है, लेस देन 5, लेस देन 5 होता है तो स्मॉलर 100 की तरफ चलते हैं। तो पहले ये चेक कर लेंगे 539 किन दो 100 के बिटवीन में आएगा, 500 और 600 के बिटवीन आएगा। ठीक है, 539 की बात कर रहे हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को चेक कर रहे हैं, टेंथ प्लेस हमारा 3 है, 3 लेस देन 5 है, लेस के केस में स्मॉलर 100 की तरफ चलते हैं, तो स्मॉलर 100 क्या होगा, 5 आएगा। क्लियर है, डन दृष्टि, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है हमारा 2862, टेंस डिजिट क्या है, देखिए 6 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, 2862 इज राउंड ऑफ टू। अब 2862 किस किस 100 के बीच में आएगा, 2800 और 2900, इन दोनों के बीच में आएगा, है ना, इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन हम क्या चेक करेंगे, हम वंस टेंस, टेंस प्लेस चेक किया, टेंस प्लेस क्या है हमारा, 6, 6 ग्रेटर देन 5 है, जब 5 ग्रेटर देन वैल्यू होती है तो ग्रेटेस्ट 100 की तरफ चलेंगे, ग्रेटेस्ट वाला ये है, आंसर आएगा 2900। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू 6 से कम आती या 5 आती या 5 से कम आती तो हम 2800 आंसर देते। ठीक है जी, क्लियर है, चले अगले क्वेश्चन पे। सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स,
किस किस के बीच में आएगा? देखिए लास्ट के डिजिट्स चेक किया करो, आपके लिए इजी रहेगा। 656 है जैसे, तो 656 किस किस के बीच में आता है? 600 और 700, और ये स्टार्टिंग की डिजिट्स इसके आगे लगा दो। तो 64,600 एंड 64,700 इन दोनों के बीच में आएगा। अब आपको क्या चेक करना है? टेंथ प्लेस हमारा 5 है। जब टेंथ प्लेस इक्वल टू 5 होता है या ग्रेटर देन 5 होता है तो हम किसकी तरफ चलते हैं? ग्रेटेस्ट 100 की तरफ चलते हैं। तो ग्रेटेस्ट 100 कौन सा है हमारा? हाँ जी दिव्यांशी, मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। ओके बेटा, ओके। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है? मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, समझ में। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, इसका नियरेस्ट 100 कीजिए। मैं चेक करती हूँ एक मिनट, ठीक है? आप इतनी देर क्वेश्चन कीजिए। दृष्टि, दिव्यांशी, सार्थक अपनी नोटबुक में कीजिए बेटा ये वाला क्वेश्चन। कर रहे हो बेटा क्वेश्चन? हो रहा है? देखिए आवाज ठीक आ रही है मेरी दिव्यांशी? यस मैम। ठीक आ रही है? ओके चलिए क्वेश्चन करें स्टार्ट। बेटा ए वाले का आंसर कौन बताएगा? दिव्यांशी आप बताओ ए का आंसर। मैम 7-3-2-0-0 जीरो जीरो। वेरी गुड,
देखिए हमने क्या करना था, 73,217 है, तो ये 200 और 300 के बीच में आएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, टेंस डिजिट चेक करेंगे, वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस वन है, वन क्या होगा, पाइथन लेस देन फाइव, लेस देन फाइव होता है तो लोअर 100 की तरफ चलते हैं, तो 73,200 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए सार्थक आप बताओ बेटा बी पार्ट। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। दृष्टि मैम, मैं भी अभी सॉल्व कर रही थी। चलिए मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। 6,588 है, बताओ ये किस किस के बीच में आएगा। The two values in between this will exist. 6,588 को ही चेक कर लो ना, ये किस किस के बीच में आएगा, 500 और 600? We will write here 500, write here 600. ये अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये करके दिखाना है, बट आपको बेटर समझ में आए इसके लिए, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6,588 will exist between 6,500 and 6,600. Clear? Now check the tens digit. Tens digit क्या है हमारी? 8. 8 is greater than 5. So we will go to the nearest greatest 100. Greatest 100 की तरफ चलेंगे हम. That is 6,600. अब बेटा सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट अपने नोटबुक में कीजिए। पहले सी करिए और तीनों बच्चे आंसर बताइए मेरे को, ठीक है। खुशी कुमारी स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। मैम मुझे, मैम अभी मेरे में लिंक नहीं आया था, तो मैम मैंने जब स्विच ऑफ कर ऑन किया तो आया। ओके बेटा, ओके। हमने कल सीखा था नियरेस्ट 100 पे कैसे करते हैं, 100 के केस में हम टेंस डिजिट को चेक करते हैं, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। हाँ जी दिव्यांशी, ये सर सी ऑप्शन का आंसर मैम 100। वेरी गुड, 100। देखिए 98 किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 90 और 100। नाउ वी विल चेक द टेंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस, देन दिस इज द टेंस प्लेस। इसको चेक करना है, ये वाली डिजिट को, इसको नहीं करना, ठीक है। ये वाली डिजिट को चेक करना है जिसको मैंने सर्कल किया। तो 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर होती है वैल्यू 5 से या इक्वल टू 5 होती है तो हम ग्रेटेस्ट 100 की तरफ चलते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो मैं ग्रेटेस्ट लिखती हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100। खुशी डाउट है बेटा आपको कुछ? नो मैम। हमारी स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ जी बोलिए बेटा खुशी। मैम मे आई टेल द नेक्स्ट वन? यस यू मे टेल द थ्री ऑप्शन। 276 किस किस में एग्जिस्ट करेगा पहले ये बताइए। मैम 70 and 80, 270 and 280, ठीक
यस मैम 270 एंड 280 पहले अपन मैम आंसर इज 70 एट लीस्ट लेते हैं। हां जी बोलिए अब किसको चेक करेंगे मैम आंसर इज यस मैम मैम वी विल चेक टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस हमारा क्या है 7 यस मैम 7 ग्रेटर देन 5 मैम 7 इज यस मैम तो ग्रेटर होता 5 से तो किस वैल्यू की तरफ चलते हैं मैम हाईएस्ट हाईएस्ट की तरफ चलते हैं तो हाईएस्ट 100 कौन सा है हमारा 280 है मैम 80 280 280 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर है सबके अपने चेक कर लेना। सोम्या कुमारी स्विच ऑन योर वीडियो बेटा ई पार्ट आप बताओगे सोम्या सौम्या कुमारी वीडियो पे भी स्टार्ट कर रहे बेटा। दृष्टि आप बताइए ई पार्ट मैम इसका 900 900 देखिए मेरे को पहले बताइए नंबर लाइन कैसे बनाएंगे इसकी 896 है ना तो किस किस के बीच में आएगा 800 और 900 मैम 800 और 900 यहाँ पे 423 लिख दूँ इसके आगे भी 423 लिख दूँ तो 423,800 423,900 हमें एक नंबर लाइन सेट करनी होती है कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। बेटा जिसका वीडियो बंद है मैं एब्सेंट मार्क करूंगी आज की। सार्थक खुशी सौम्या तीनों अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। अब हम टेंथ प्लेस डिजिट को चेक करेंगे मैम मैं 10th प्लेस डिजिट क्या है हमारी बताओ मैम 10th की हमारी 9 इज अ 10th प्लेस डिजिट ठीक है। अब हम 9 को चेक करेंगे 9 ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 मैम 9 ग्रेटर देन 5 तो ग्रेटर देन 5 होता है तो हम क्या करते हैं मैम जब ग्रेटर देन 5 होता है तो हम हाईएस्ट नंबर में जाते हैं हाईएस्ट नंबर की तरफ चलते हैं। हाईएस्ट नंबर है हमारा 423,900 यही है ना। चलिए क्लियर है सबको नियरेस्ट 100 आ गया सबको करना। एनी स्टूडेंट इज हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन चलिए नाउ वी विल गो टू द नियरेस्ट 1000 पहले आप समझिए नियरेस्ट 1000 कैसे करते हैं ठीक है फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस करना। फोकस ऑन द स्क्रीन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 के केस में देखिए मैंने आपको क्या बताया था हम एक डिजिट प्रीवियस चेक करते हैं। अगर राउंड ऑफ टेंस की अराउंड कर रहे हैं तो वन प्लेस डिजिट को चेक करते हैं। अगर हम 100 की तरफ चल रहे हैं तो टेंस प्लेस डिजिट को चेक करते हैं। अब हम 1000 की तरफ चलेंगे तो 1000 से पहले क्या आता है 100 तो इस केस में हम 100 प्लेस वाली डिजिट को चेक करेंगे। हां जी सार्थक नो मैम गलती से 100 हो गया था। ओके चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल 6258 आपको ये बताना है कि ये 6000 के नियर होगा या 7000 के नियर होगा ठीक है। पहले एक रफ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ। देखिए 6258 तो किस किस के बीच में आ सकता है ये आ सकता है हमारा 6000 और 7000 के बीच में। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं तो 1000 के केस में किसको चेक करेंगे हम 100 केस वाली डिजिट को। तो अपना क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे 6258 इसका 100 केस कौन सा होगा वंस प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस अगर हमारा 100 प्लेस लेस है 5 से तो हम लोएस्ट 100 की तरफ चलते हैं। अगर इक्वल टू 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो हम हाईएस्ट की तरफ चलते हैं ठीक है। अब देखिए 2 क्या है 2 मेरा लेस देन 5 है तो मुझे लेस वाली वैल्यू की तरफ चलना है।
नेक्स्ट है आपके पास 6582, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं इसको भी। 6582 कहाँ पे आएगा? 6000 और 7000 के बिटवीन आएगा। नाउ वी विल चेक द 100 प्लेस डिजिट। 100 प्लेस डिजिट हमारी थर्ड वाली होती है, तो थर्ड पे 5 आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 आता है तो हम हाईएस्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं, तो ये क्या आएगा 7000। तो देखिए इसमें लिखा है यहाँ पे कि 6582 इज नियरेस्ट टू 7000। अगर आपको लिखना है ना तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, जैसे आंसर ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस है फिर नहीं आपको करना, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, लिखने वाला पेपर आता है, तो आपको ऐसे लिखना होगा कि 6582 इज ऑलमोस्ट हाफ अवे बिटवीन 6000 एंड 7000। ये कह रहा है बिल्कुल आधे रास्ते पे पड़ता है ये 6 और 7 के, तो इसलिए हम नियरेस्ट वाला हाईएस्ट वाला लेते हैं, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट आ गया आपके पास 6825, सीधा ये वाली डिजिट चेक करनी है, थर्ड वाली डिजिट 8 है, 8 5 से बड़ा होता है, तो बड़े वैल्यू की तरफ चलेंगे, बड़ी वैल्यू पे आएगी 7। बाकी प्रोसीजर सारा सेम रहता है कि अगर ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, वो तो आप जैसे उसमें चेक कर रहे थे ऐसे ही इसमें चेक करना है, बस उसमें आप 100 की तरफ चलते हैं, इसमें 1000 की तरफ चलना। क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। अब आपको क्वेश्चन करना होगा खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए थर्ड प्लेस वाली डिजिट 3 है, तो 12345 था, ये किस किस के बीच में आएगा? 12000 और 13000 के बीच में आएगा, है ना। नाउ चेक द 100 प्लेस डिजिट। 100 प्लेस डिजिट हमारी 3 है, ठीक है, 5 से लेस है, 5 से लेस है तो स्मॉलर वैल्यू की तरफ चलेंगे, दैट इज 12000। ये नेक्स्ट में 8 है, 8 के केस में हाईएस्ट डिजिट की तरफ चलते हैं, तो 45000 और 46000। तो 8 है, 8 5 से बड़ा है, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही 169572, तो किस किस के बीच में आएगा ये? 160000 एंड 170000, है ना। अब हम चेक करेंगे 100 प्लेस डिजिट। 100 प्लेस डिजिट 5 है, जब भी इक्वल टू 5 होती है या ग्रेटर देन 5 होती है तो हम हाईएस्ट की तरफ चलते हैं, तो ग्रेटेस्ट 100 हमारा सही है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नाउ डू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करिए। खुशी, वीडियो नहीं शो हो रहा बेटा आपका,
730 किसका आंसर लिखा था आपने? देखिए इसको नियरेस्ट थाउजेंड कर रहे हैं तो ये आएगा 70,000, इधर आएगा 80,000 इसका। अब 100 प्लेस डिजिट को चेक करेंगे, 100 प्लेस डिजिट क्या है? 2 हमारा लेस है 5 से, तो लेसर वाली वैल्यू को चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा 70,000। हाँ जी दृष्टि मैम, ये ए वाले का जो आपने किया था तो इसका 80,000 क्यों नहीं आया? इधर 2 है ना, 100 केस वाली डिजिट को चेक करेंगे क्योंकि हम ना नियरेस्ट 2000 कर रहे हैं ना। यस मैम, 73,270 तो 1 place, 10 place, 100 place को चेक किया, 100 प्लेस क्या है मेरा? 2 है ना, टू लेस है ना 5 से, जब लेस होती है वैल्यू तो स्मॉलर वैल्यू पे पिक करते हैं। ओके मैम, अगला क्वेश्चन कीजिए। 6,588 100 नहीं बेटा, 1000 के अराउंड कर रहे हैं आप, 1000 के अराउंड कर रहे हैं ना, तो ये किस किस के बीच में आएगा पहले ये चेक करेंगे। 6,588 किस किस के बीच में आएगा? 6,000 और 7,000 के बीच में आएगा, ठीक है। नाउ वी विल चेक 1, 10, 100 प्लेस डिजिट। 100 प्लेस डिजिट क्या है हमारी? 5 और ग्रेटर देन 5 के केस में हम क्या करते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू को पिक करते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी? 7,000। आंसर विल बी 7,000। इसका आंसर क्या था? 70,000। हां जी सार्थक, आप अगले वाला बताओगे? यस मैम। मैम आंसर 2,000। इसका 98 वाले का? नो मैम, वो तो मैं डाउट में। अच्छा इसका आंसर बता दो, 76 वाले का? यस मैम। इसका क्या आंसर आएगा? मैम 2000 बेटा कैसे आ जाएगा? देखिए 276 हमारा 1000 से पहले आएगा ना, 1000 के बाद में थोड़ा आएगा। यस मैम। चलो मैं एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, फिर एक आप करना, ठीक है। देखिए बेटा 98 देखते हैं पहले, 98 98 कहाँ पे आएगा? 1000 से तो पहले ही आएगा कहीं पे, तो 1000 प्लेस के नियर कर रहे हैं तो पहली मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1000। 0 से बड़ा और 1000 से छोटी कोई भी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, यस और नो? अब क्या कर रहे हैं, 100 प्लेस 1000 प्लेस को चेक कर रहे हैं, तो 98 में देखिए ये है हमारा 1 प्लेस, ये है हमारा 10 प्लेस, ना तो इसमें 100 प्लेस है ना इसमें 1000 प्लेस है, तो अगर मुझे इसे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो मैं इसके आगे 0 प्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? 100 प्लेस डिजिट क्या है मेरी? 0। मुझे उसी को चेक करना था ना 100 प्लेस डिजिट को, 100 प्लेस डिजिट मेरी लेस देन 5 है
लेस देन फाइव होती है तो स्मॉलर वैल्यू की तरफ चलते हैं, स्मॉलर वैल्यू हमारी है तो द आंसर विल बी क्लियर हुआ सार्थक नाउ इट इज क्लियर टू यू चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट खुद से करेंगे आप पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे रफली दैट विल बी 1000 एंड 0 0 से लेके 1000 के बीच में एग्जिस्ट करेगी कहीं पे तो 276 है ये हमारा वंस प्लेस ये हमारा टेंस प्लेस ये हमारा 100 प्लेस 100 प्लेस क्या है 2 है less than 5 then we will go to the lowest 1000 that is 0 अगला क्वेश्चन करें फोर लाख 23,896 किस किसके बीच में आएगा फोर लाख 23,000 और फोर लाख 24,000 के बीच में आएगा मैम इस इसका आंसर आएगा 4420000 देखिए हम वंस टेंस हंड्रेड हंड्रेड प्लेस वाली डिजिट चेक करेंगे वो हमारी 8 है तो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ चलेंगे 4,24,000 पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप